हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पांडा। दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री की काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। आपको बता दूं, पीएमसी बैंक अब इसका मर्जर हो गया है। अभी आरबीआई ने अप्रूवल दिया है और अब जो है पीएमसी बैंक की जितनी भी ब्रांचेज होंगी वो सभी यूएसएफबी में जानी जाएंगी, मतलब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतर्गत में जो है अब ये सारी ब्रांचेज आ जाएंगी। तो आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो इसका एग्जीक्यूशन है और अप्रूवल है वो भी रिसेंट में आरबीआई ने दिया है। पीएमसी का मतलब क्या है? ये आपकी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है। ओके, आप ऐसा मानकर चलें कि 2 साल पहले जो बैंक में पीएमसी में काफ़ी ज़्यादा अनियमितताएँ पाई गई थी, इरेगुलरिटीज थी, इनकी वजह से जो वहाँ पर मैनेजमेंट था उस सबको अंडर कंट्रोल में किसने लिया था? आरबीआई ने लिया था। और अब राइट नाउ ये बड़ा डिसीजन है कि अब जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में सारी ब्रांचेज आगे एमलगमेंट कर दी गई हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा कि 22 नवंबर 2021 को ये जो पूरी स्कीम है इसका मसौदा रखा गया था और लेटर ऑन अब जो है इसका फाइनल एग्जीक्यूशन हुआ है। और एक चीज़ आप समझ लें कि पैसा कब कब मिलेगा, तो जो बैंक है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने कहा है कि 10 साल के अंतर्गत में सारा पैसा दे दिया जाएगा। आप ऐसा समझ कर चलें कि जो आरबीआई की ड्राफ्ट स्कीम है इससे अंतर्गत में जो 5 लाख रुपए हैं वो तो गारंटेड जो है वो डिपॉजिटर्स को भी मिलेंगे। इसके बाद में जो अगला साल है, ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर है, उसमें 50,000 मिलेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट 3 ईयर में वो 1 लाख रुपये मिलेंगे, फिर नेक्स्ट 4 ईयर में 4 लाख रुपये मिलेंगे, और फिफ्थ ईयर में, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर में 5.5 लाख रुपए हैं, और जो बाकी अमाउंट होगा वो 10 साल में कंप्लीट एट द एंड ऑफ 10th ईयर जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से टुकड़ों में जो है ये पैसे आगे दिए जाएंगे। बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि जब बैंक की हालत खस्ता हो जाती है तो आरबीआई सबसे पहले क्या करता है कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में लेता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इनको भंग कर देता है और अपने हिसाब से अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेटअप करता है, और जो पूरा एग्जीक्यूशन होता है बैंक की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और चीज़ों को वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, और पाबंदी दूसरी लगा देता है कि ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपने पैसे को पैनिक सिचुएशन में फटाफट ना निकाल पाए। जैसे आपने देखा कि पीएमसी पर उस समय पर लगा दिया गया था, ठीक है, रोक लगा दी थी कि आप इससे ज़्यादा, इस लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। अभी रिसेंट में आपने देखा यस बैंक की, इसकी भी केस स्टडी आई थी, यस बैंक में भी यही लगाया गया। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? देखो यार, अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं। यस बैंक का तो शेयर आपने देखा कितना टूट गया था, जमीन आसमान से नीचे आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आगे बनती हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ को आप पढ़ा करिए, इंटरव्यूज़ और जगह पर ये पूछी जा सकती हैं, और डेली हमारा करंट अफेयर्स आता है, आप उसको पढ़ें, काफ़ी नॉलेजबल है, आपको वीकली मंथली सब कुछ मिल जाएगा। और एंड्रॉयड पर हमारा एप्लीकेशन भी है, तो आप वहाँ से PDF और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो देख सकते हैं। तो फटाफट जाएं, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन।